हेलो फ्रेंड्स मैं जी आपका कौशिक जी किचन में स्वागत करती हूँ आप देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं घर में ही पनीर आप मेरी तरह से पनीर बनाएंगे तो आप घर में ही अच्छे से पनीर बना पाएंगे और उसे स्टोर करके भी रख पाएंगे बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल बाजार जैसा पनीर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे यहाँ पे मैंने लिया है डेढ़ डेढ़ लीटर मिल्क जिसे मैंने गर्म होने रख दिया है जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा विनेगर आपको विनेगर लेना है टू स्पून और उसमें मिलाना है टू स्पून पानी आप ध्यान रखिए आपको उबलते हुए दूध में नहीं मिलाना है विनेगर आपको विनेगर मिलाना है जब थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए तब इस तरह से हिलाते रहिए दूध को उबलने के बाद दो मिनट बाद आप इस तरह हिलाते हुए उसमें विनेगर डालें आप अगर उबलते हुए दूध में विनेगर डालेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा और वो बहुत ही टाइट पनीर बनेगा जिससे कि आप उसे इस तरह से कतली वाला पनीर नहीं बना पाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा पनीर नहीं बना पाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से हिलाते रहना है दूध को बिल्कुल गरम गरम दूध में नहीं डालना है आपको पनीर आपको विनेगर उसमें गरम गरम दूध में नहीं डालना है पनीर बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उसके लिए जो छेना है छेना जो फाड़ते हैं हम दूध उसमें हमें सॉफ्ट वाला छैना बनाना है अगर टाइट वाला छैना बन जाएगा तो आपका पनीर इस तरह से कतली वाला नहीं बनेगा दूध उबल गया है मैंने इसे चम्मच से चला भी दिया है ठंडा भी हो गया है दो मिनट के लिए अब मैं इसमें मिलाऊंगी विनेगर थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए विनेगर एक साथ मत मिलाइए और इस तरह से पूरा दूध फट जाएगा और हमारे पनीर निकल के आ जाएगा बस अब हमारे को नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करनी है थोड़ा ऐसा हिलाता रहें जिससे कि पूरा पनीर पानी अलग हो जाए और पनीर अलग हो जाए दूध में से ये देखिए दूध फट गया है पूरी तरह से धीरे धीरे पानी भी अलग हो गया है और हमारा पूरा विनेगर मैंने इसमें विनेगर और पानी का मिक्सचर इसमें मिला दिया है ये देखिए पानी अलग और पनीर अलग हो गया है ये चीज़ ध्यान रखें आप कि मैंने दूध उबालने के बाद गैस बंद कर दी थी और अब हम पानी और पनीर को अलग कर लेंगे छान के एक महीन कपड़े से और ये हमारा पनीर और पानी अलग हो गया है इसे थोड़ा सा ठंडे पानी से और धो लें बाद में जिससे कि विनेगर का टेस्ट निकल जाए इसमें से आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप नींबू के रस से भी इसे छेना बना सकते हैं इस तरह से पानी निकाल दें और इसे निचोड़ के दूसरा पानी ठंडे पानी से इसे धो लें एक बार और एक्सेस पानी को फेंक दें और इसे इस थोड़ा सा निचोड़ के एक घंटे के लिए टांग के रख दें गर्म है तो निचोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगी हल्का सा इसे इस तरह से निचोड़ दें और फिर इसे टांग दें एक घंटे बाद हम इस तरह से इसे बांध के दबा के थोड़ा सा प्रेशर बना के इस पर पे रोलिंग पेन जो होती है चकला जिसे बोलते हैं उस तरह से रख देंगे इस पर जिससे कि प्रेशर बना रहे और हमारा पनीर एक शेप ले ले आप चाहें तो कोई दूसरी शेप में पनीर बनाना तो उस शेप में पनीर को इस तरह से रख के उस पर हैवी वेट रख दें ये देखिए तीन चार घंटे बाद इस तरह से पानी निकल जाएगा एक्सेस पानी और पनीर हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगा तीन चार घंटे हमने इसे हैवी वेट से दबा के रख दिया था और ये हमारा पनीर बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर पनीर निकल के आया है चलिए इसे काट के दिखाती हूँ बिल्कुल बाजार जैसे पीसेस इसमें से कट जाएंगे और ये देखिए पनीर तैयार हो गया है अब आपको बिल्कुल भी बाज़ार से पनीर लाने की टेंशन नहीं है घर में आप आसानी से पनीर बना सकते हैं ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे स्लाइसेस कट रही है ना आप इसे एक कपड़े में लपेट के एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ध्यान रखें उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि ये आपका पनीर सूखे नहीं बिल्कुल बना है ना बाजार जैसा कहीं भी क्रैक्स नहीं है बिल्कुल सुंदर पनीर निकल के आया है आप इस तरह से पनीर बनाइए घर में हेल्दी और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हुए पनीर बनाइए और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास शेयर की हुई है मैंने आप भी उस तरह से सारी रेसिपीज़ बनाइए और अपने व्यूज़ और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए थैंक यू